चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूरी कंपनी का प्रोफेशनल पावर टूल्स। और ये जो मशीन है, ये एक जिग सो है। जिग सो का मतलब है कि आप कोई भी लकड़ा या कोई भी मेटल या पतरा हो, उसको आप बगैर कोई कटर या मशीन के आप जिग सो से बहुत ही आसानी से इसको काट सकते हैं। तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये 70 mm का जिग सो है, जिसका कोड नंबर है JS70L। देखिए, हम बॉक्स में से जिग्सो को निकाल रहे हैं। इसमें क्या क्या है पहले हम वो देख लेंगे। थैली के अंदर पैक एक जिग्सो है, इसका लगाने वाला नोजल है, और उसमें जिग्सो की ब्लेड को फिटिंग करने वाला एक एलेंकी है, और ये एक ब्लेड है जो लकड़ा काटने के लिए है, और ये जो पतली धार वाली ब्लेड है, ये मेटल काटने के लिए, मेटल और पतरा काटने के लिए है ये। और ये रहा हमारा जिग्सो। तो हम थैली से बाहर निकालते हैं इसको, साइड पर रखते हैं थैली को, और मशीन की डिटेल देख लेते हैं हमारे साथ क्या क्या आया है। एक बार फोटो ले लीजिए पूरा। ओके, 3 मीटर के ऊपर का केबल है हमारे पास, बहुत ही अच्छा केबल है और सॉफ्ट केबल है, जिससे आपको क्या है, कुछ भी काम करने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अब जिग्सो के बारे में जान लेते हैं हम, इसके अंदर क्या क्या है। पहले तो इसको चालू बंद करने के लिए बटन है, और इसकी एक स्पीड लॉक करने के लिए ऊपर का ये पुश दिया हुआ है, जिससे ये जिग्सो चलता ही रहेगा, लॉक हो जाएगा ये। दूसरा है, इसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए बटन है, जिसके अंदर 6 अलग अलग वेरियस स्पीड है। ऐसे करेंगे तो ये 6 तक जाएगा, जो मैक्सिमम है, और 1 तक आएगा, जो एकदम कम है। बहुत धीरे धीरे अच्छे से फिनिशिंग से काम करना हो तो 1 पर रखना है हमको। दूसरा है कि ये जिग्सो का ये स्टैंड है, जिसके ऊपर हम ऐसे रख के उसको काटेंगे, जिससे ये चलेगी और हमारा हाथ दूजेगा नहीं इससे। और दूसरा है कि इसका ये कवर है, जिससे कोई भी ब्लेड वगैरह टूटे तो हम हमारे आंख पे ना लगे, उसके लिए कवर है। और ये जो जिग्सो है, ये बहुत ही कम प्राइस वाला और बहुत ही ज्यादा फीचर वाला जिग्सो है। इसके अंदर एंगल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अंदर 2 एलेंकी दिया हुआ है। ये 2 एलेंकी को हम खोलेंगे तो ये जिग्सो अपने एंगल को चेंज कर लेगा। जैसे अगर हमको इसको 45 डिग्री पे काटना है ऐसे क्रॉस करके, तो ये ऐसे 45 डिग्री पे भी क्रॉस हो जाएगा, स्टैंड सीधा रह जाएगा। हम आपको बाद में वो भी बताएंगे, स्टैंड सीधा रहेगा मगर पूरा जिग्सो क्रॉस हो जाएगा। 45 पे काटना हो, 30 पे काटना हो, या 90 पे काटना हो, कोई भी एंगल इसमें सेट हो सकेगा। और अब हम इसके अंदर ब्लेड की जानकारी देते हैं। ब्लेड के अंदर ऐसा है कि ये जो बड़े दांते वाला जो ब्लेड है, ये लकड़े का ब्लेड है। आप इसको मार्केट से ब्लेड खरीदेंगे, उसमें भी आपको आइडिया आ जाएगा कि जो बड़े दांते का जो ब्लेड है, ये लकड़े के लिए है, और एकदम छोटे दांते का जो ब्लेड है वो मेटल के लिए है। तो मेटल और लकड़े के ब्लेड है, ये बॉश का ब्लेड है, और ये इसके साथ मशीन में आता ही है वो ब्लेड है। तो मेटल ब्लेड के अंदर आपको आइडिया आ जाएगा कैसे आप उसको फर्क कर सकते हैं दोनों ब्लेड को। ठीक है, अब हम एक ब्लेड लकड़े का आपको इसमें लगा के बता दें। इसमें लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो, ये ऐसे इसको अटैच कर देना है। यहाँ पे दिया हुआ है ठेसी, वो ठेसी पे जाके ये रुक जाएगा। ठीक है, और इसको टाइट कर देना है, थोड़ा ज्यादा कस देना है इसको, बॉल खराब ना हो जाए ऐसे। इसको घुमा के टाइट कर देना है कंप्लीट, और एलेंकी का एंगल चेंज करके और भी ज्यादा टाइट कर देना। ये हमारा जिग्सो फिटिंग हो गया, खींच के आप देख सकते हैं। अब इसको हम प्लग इन कर देते हैं और देखेंगे कि कैसे चलता है हमारा जिग्सो। देखिए, देखो ये आगे पीछे हो रहा है, ये इसके फुल सेटिंग है। अब इसको जैसे हम आगे पीछे करना बंद कर देंगे तो इसको जीरो सेटिंग पे ले लेंगे, तो आप देख पा रहे हैं अभी आगे पीछे नहीं होगा, ये आगे पीछे नहीं हो रहा है। अब इसको हम सेटिंग चेंज करते हैं, इसको सेकंड पे कर देते हैं, देखो आगे पीछे होने लगा, और थर्ड पे कितना ज्यादा आगे पीछे हो रहा है। इससे आपका काम फास्ट होगा आगे पीछे होने से। और इसको हम थर्ड स्पीड पे कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका स्पीड कितना रहता है थर्ड स्पीड पे। बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। अब हम इसको 6 स्पीड पे कर लेते हैं, कितना फास्ट पता चलेगा। 6 पे कर लिया है हमने इसको, अब देखिए कितना फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट है। और इसको हम सेकंड पे 0 कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। यहाँ पे एक LED भी दिया हुआ है, इसके आड़ में बता ना, सफेद के आड़ में, तो इसके रोटेशन दिखेंगे आपको। अगर काम करना हो तो LED भी दिया हुआ है, LED चालू होगी, प्रेस करेंगे ना, जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। यहाँ पर एक LED भी दी हुई है। बराबर, राइट, ठीक है जी, चलिए चालू करो। चालू है।
बड़ा उसको डट्टे को दबाओ, ऐसे दबाओ ऊपर करो ना। हाँ मोटा पाटिया है, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ मेरी उंगली रख के, तकरीबन 1 से 1.25 इंच का ये पाटिया है। 1.25 इंच का बहुत ही मोटा और मजबूत पाटिया है ये। अब इस पाटिया के ऊपर मैं, जैसा आपको पता है ये हमारा जो जिस्टो है ये 70 mm का है, इसके लिए इससे डबल मोटा भी पाटिया होगा उसको ये काट देगा आराम से, कोई बात। अभी हम इसको 0 सेटिंग पे और 3 की स्पीड पे चलाएंगे। अच्छा, 3 स्पीड लेवल 3 रहेगा। हाँ, स्पीड लेवल 3 रहेगा और इसका जो सेटिंग रहेगा आगे पीछे होने का मूवमेंट बंद, तो 0 लगा के हम लोग को चेक करेंगे कैसे काट पा रहा है, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हम स्पीड को बढ़ा देते हैं, 6 पे कर देते हैं और ये जो इसका सेटिंग है हम इसको 1 नंबर सिर्फ बढ़ा देते हैं, तो पता चलेगा कितना पावरफुल ये कट है, ठीक है। चलिए काट दिया इससे पूरा, बहुत आसानी के साथ, और बहुत आसानी के साथ ये कट गया है। सरफेस भी बता दो, देखिए आप इसका सरफेस देख सकते हैं, ये बहुत ही स्मूथ कटिंग हुआ है और यहाँ पर कोई इसके निशान नहीं है, कोई लकड़ा वगैरह, ब्लेड भी एकदम क्लियर है। और एक तरफ से हम पाटिया काट के देखते हैं। 45 डिग्री का हमने इसका एंगल चेंज कर दिया है, अब इसको हम काटते हैं, अब इसको काट के अब हम बताएंगे आपको 45 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा चलिए, अब आप इसकी कटिंग देख सकते हैं, इसको हमने 45 डिग्री पर कट किया है, ये दूर से बता, कंप्लीट क्रॉस कर, क्रॉस करो, क्रॉस क्रॉस तो दिखेगा भाई। हाँ बस, तो इस तरीके से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ओके, वही मतलब ये काम के सुपरवाइजर, हमको एल बनाना चाहे एल बना, नहीं 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 बता, बहुत बढ़िया ये 45 45 दोनों। ओके माशाल्लाह।